भाई ये गाजीपुर पे किसान आंदोलन का वो स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देखो पूरा ब्लॉक करने लगे रोड को। अब मुझे लग रहा है पहले की तरह, जैसे पहले 1.5 साल ब्लॉक रहा रोड, वैसे ही कंडीशन अब हो जाएंगी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। क्या करेगा बताओ यार, इतना जैम। मतलब लोकलाइट्स को जो यहाँ जॉब कर रहे हैं या जो इधर आ रहे हैं उन लोगों की तो हवा खराब है भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके, आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। सो आज मैं उठ गया था बहुत जल्दी। बहुत जल्दी क्या मतलब, 6:30 में उठ गया था। यूजुअली मैं इतने टाइम पे उठता नहीं हूँ एंड फिलहाल टाइम हो रहा है 8:30 एंड मैं रेडी हो गया हूँ। और बाहर का मौसम भी आज बहुत प्लेजेंट सा है तो प्लान कर रहा हूँ कि कहीं बाहर घूम के आऊँ, क्योंकि फिलहाल मेरा छुट्टी है। छुट्टी लाइक मेरा आज कोई ऐसा काम नहीं है, मैं फ्री हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं सुंदर नर्सरी नहीं गया। मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुंदर नर्सरी अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था बट अभी मैं जा नहीं पा रहा था। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ कि क्या चल रहा है। उसे इनोग्रेट हुए भी 5 साल हो गए, 21 फरवरी 2018 को इनोग्रेट हुआ था। और भाई उसके बाद से मैं रेगुलर वहाँ पे जा रहा हूँ, तो सोच लो 5 साल हो गए। तो 5वें साल में भी मैं आज सोच रहा हूँ वहाँ पे जाने की। तो कितना खूबसूरत जगह होगी वो, कितनी मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है भाई। अगर आपको अपना टाइम स्पेंड करना है और आपको सही में नेचर के बीच में रहना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो देयर एंड इन्जॉय, मज़ा आ जाता है वहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ और आप भी बताना कि कैसी जगह है। लेट्स गो। फिलहाल छोड़ता हूँ अपने बच्चे को स्कूल। रेडी है ना? आओ चलो, पुट माय हैंड, कम ऑन। रेडी हो गया। चलो जैकेट भी ले ली क्योंकि ठंड का कुछ पता नहीं भाई बाहर निकल के कैसा लगे। और ये इसने प्लांट्स ग्रो किए थे, एक्चुअली ये प्लांट्स नहीं है, चने हैं। अच्छे से लग रहे हैं गुड्डू, काफी बड़ा हो गया। आपने किए, मजा आ रहा है आपको देख के? अब देख के अपनी ग्रोथ कैसे मैंने बनाया, कैसे उग रहे हैं ये, तो अच्छा तो लगता ही है यार। जल्दी आना ना। अभी जस्ट मैंने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा एंड उसका मन नहीं था एक्चुअली जाने का, बट अपना बचपन याद आ जाता है यार कि हम जब छोटे थे तो हम भी स्कूल नहीं जाते थे और हमारे मम्मा पापा हमें जबरदस्ती स्कूल छोड़ के आते थे जस्ट बिकॉज के हमारी लाइफ बन जाए। तो वो चीज आज रियलाइज होती है कि भाई हम अपने बच्चे को आज इसलिए छोड़ के स्कूल जाते हैं जबरदस्ती भी, कि उसकी लाइफ बने एंड वो फ्यूचर में कुछ कर ले। भाई ये गाजीपुर पे किसान आंदोलन का वो स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देखो पूरा ब्लॉक करने लगे रोड को। अब मुझे लग रहा है पहले की तरह, जैसे पहले 1.5 साल ब्लॉक रहा रोड, वैसे ही कंडीशन अब हो जाएंगी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कैसे होगा भाई, जैम तो पूरा है। ये देखो जैम दिखाता हूँ, क्या करेगा बताओ यार, इतना जैम। मतलब लोकलाइट्स को जो यहाँ जॉब कर रहे हैं या जो इधर आ रहे हैं उन लोगों की तो हवा खराब है भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, और मुझे जाना है इधर और मैं पागलों की तरह दूसरे रास्ते पे चल रहा था। मैं बिल्कुल राइट साइड गाड़ी लेके निकला, पुलिस वाले पुलिस वाले देख रहे थे भाई। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ दूसरे वाले रोड पे, ये कनेक्ट करता है राजनगर। ऐसे ही मन कर रहा था कि एक ड्राइव पे भी चलें, शिप्रा बोली ये ड्राइव पे चलते हैं, मैंने कहा चल, क्योंकि अभी मॉर्निंग में इसके पास भी टाइम था और मेरे पास भी। सो हम इधर गाजीपुर की तरफ को आ गए। मेरा मन था कि हम लोग थोड़ा आगे तक होके आते हैं बट भाई सही हुआ कि वो एकदम देख लिया कि जैम लगा हुआ है। आज बुरी तरह फंस जाते भाई, और अच्छे वाला फंसते ना ही, इसका टाइम यूटिलाइज हो पाता फिर ना मेरा, और जैम में ही अटके रहते। तो बेटर आ गया, हमने कट ले लिया यहाँ से थोड़ी सी एक ड्राइव करके और फिर वापस अपने दिल्ली में अपने
ये अपने हॉस्पिटल चली जाएगी और मैं अपने उधर चला जाऊंगा जहां मैंने आप लोगों को बताया था, सुंदर नर्सरी। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं इससे छुपा रहा हूँ, बट मैं बताना नहीं चाहता तो मुझे पता है। तो मैं वहां निकल जाऊंगा, तो राइड और ड्राइव ये है भाई फिलहाल, बहुत मजा आता है इसमें। पीछे वाला सोचेगा सुबह सुबह पी के चला रहे हो। वो फोन पकड़ने में ना एक बार स्टीयरिंग छूटता है तो गाड़ी एक या लेफ्ट या राइट साइड को भागती है, तो लगता है जैसे इधर उधर जा रही है गाड़ी। तो पीछे वाला यही सोचता है कि ये तो भैया सुबह सुबह ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस है। आते हुए भी भाई जैम लगा दिया, देखो सारा बंद कर दिया किसानों के चक्कर में। ना आप मेरठ की तरफ से आ सकते हो और ना ही जा सकते हो। अब जाने में तो खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको आने के लिए इधर से आना पड़ेगा रेडिसन के सामने से। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया रास्ते, अब समझ में नहीं आ रहा यार ये रियल किसान है या नहीं है या क्या है। सच में कुछ भी नहीं अब की बार पता चल रहा। पिछली बार तो सच में किसान थे भाई, वो जो उनकी जो डिमांड थी वो वाकई फुलफिल नहीं हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने ये आंदोलन किया था। बट अब की बार का नहीं समझ में आ रहा, पॉलिटिकल वो है या कुछ और रीज़न है, कुछ नहीं पता भाई अब की बार का। तो खैर जो भी हो हम कुछ कह नहीं सकते, ना तो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते और ना ही इन इशूज़ में ज़्यादा पढ़ना चाहते। जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं। ये स्टेटस है भाई फिलहाल का। पेट्रोल पंप वाले भाई अलग है। अच्छा वाला जो एड ऑन डलता था वो 150 रुपए का डलता था, और अब उसके बताओ पैसे बढ़ा दिए, 200 रुपए का कर दिया। कितनी महंगाई करके कहां जाओगे भाई, कहां किस इस पैसे को लेके जाओगे। मैं हमेशा जब भी टैंक फुल कराता हूँ एड ऑन डलवा लेता हूँ इसमें। उसका बेनिफिट ये होता है कि वो एवरेज गाड़ी का ठीक आ जाता, और एवरेज ठीक आता है प्लस गाड़ी का इंजन भी क्लीन रहता है अंदर से, तो ये बेनिफिट होता है एड ऑन डलवाने का। अब वो 150 से 200 उसमें 50 रुपये बढ़ गए, और खैर तेल का तो ऑयल जो डीजल है उसके तो और पंगे चल रहे हैं, वो तो और महंगा हो रहा। अब देखो भाई कहाँ तक जाके रुकती है। मेरी गाड़ी भी पुरानी हो रही है, मुझे गाड़ी भी चेंज करनी है। डीजल लूँ या पेट्रोल लूँ, मोस्ट लाइकली तो पेट्रोल लेनी बेटर है। एटलीस्ट 15 साल की तो NCR में उसकी वैलिडिटी है, क्योंकि डीजल की तो 10 साल इन्होंने कर दी है। अब डर ये भी लगता है कि अगर इन्होंने 10 साल से बढ़ा के 15 साल कर दी तो डीजल का एवरेज अच्छा आता है, तो डीजल लेनी चाहिए थी, मतलब बाद में ये दिमाग में आएगा। खैर जो भी है, सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सुंदर नर्सरी, एंड यहाँ पे आज बच्चे आए हुए हैं स्कूल के, क्योंकि मैं बता रहा था ना 5th एनिवर्सरी है, तो उसका प्रोग्राम शायद ख़त्म हो गया है यहाँ पे। फिलहाल कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पे भैया से और बैठते हैं। अब यार आप बताओ, इस लोकेशन में बैठ के और एक कॉफ़ी, मज़ा नहीं आएगा। मैं इसलिए यहाँ आता हूँ, अमेजिंग प्लेस है यार, मज़ा आ जाता। और बीन्स टू कॉफ़ी मिलती है 50 रुपीज़ की, भाई पैसा वसूल है ये। सो ये है सुंदर नर्सरी का गाइड मैप, एंड ये आपको यहाँ से मिल जाएगा जब आप कार्ट पे आएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने, और इसमें सारा इसका मैप है। मैप के थ्रू आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ कहाँ लोकेटेड है। लाइक ये हिमायू टोम है, इस तरीके से सारे वो जो 6 यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी यहाँ पे शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पूरा मैप है, आप कहाँ से एंट्री करेंगे और कहाँ से एग्ज़िट करना है, सब कुछ इसमें बताया गया है। और हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, सब कुछ यहाँ पे लोकेटेड है और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, सब कुछ है भाई यहाँ पे, सब कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड भाई यहाँ की ब्यूटी तो वो एक नंबर।
सो मेरी चाय हो गई फिनिश, अब मैं एक वॉक करूँगा यहाँ और थोड़ी देर बाद निकल जाऊँगा। सो फिलहाल भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के ग्रुप्स आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, वो यहाँ पे घूम रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से बच्चे, भैया को तो आज चैन नहीं लेने दे रहे, अनिल भैया कार्ट पे होते हैं वो, तो उनको तो आज ही उन्होंने परेशान करके रख दिया। एक सिंगल बंदा मैनेज करे तो बहुत मुश्किल होता है। सो अनिल भैया, भाई सचिन तेरे को भी बहुत याद कर रहे थे कि सचिन नहीं आया, तो आके दिखा जाओ भाई शक्ल। मैं भी बहुत दिनों में आया, यूजुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आता रहता हूँ, बट अब बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। सो फिलहाल इसका एक राउंड लेते हैं, एक पूरा सर्कल लेके और फिर यहाँ से निकलते हैं और दिखाता हूँ यहाँ पे सर्कल। मैंने बहुत बार दिखाया भी हुआ है कि कैसा है इसका आउटर सर्कल, मतलब इसके पार्क के चारों तरफ ना एक वैसे वॉकिंग ट्रैक है वो, बट उस पे पार्किंग के लिए आगे फैब कैफे जाने के लिए ना गाड़ी भी आगे जा सकती है। सो मैं हमेशा वहाँ उस रास्ते पे को गाड़ी लेके जाता हूँ और वहाँ पे पिकॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। मैप में मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या क्या है, अगर मेरे को मैप का लिंक मिल गया तो मैं डेफिनेटली उस लिंक को उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो मैप का लिंक भी देख लेना। और मैप में क्या क्या है, 6 हेरिटेज साइट्स हैं जो मैंने आपको इसमें दिखाई मैप में, और बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ ट्री है, तो आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल एक वॉक अराउंड करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और निकलता हूँ घर के लिए, और बहुत मज़ा आया मुझे आज, मैंने अपनी मॉर्निंग बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करी। एंड बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे सुंदर नर्सरी में भी आया। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, बाय बाय।